याकूब खान कितना भी बड़ा टेररिस्ट, कितना भी बड़ा वो है, कुछ भी किया उसने, लोगों को मार दिया, ये किया, गलत बात है, बहुत गलत बात है, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक मुद्दा हिंदुस्तान की लॉ का और लोगों का कि एक टेररिस्ट वहां से अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद वो सारे टेररिस्ट का पता बताता है, ये बताता है, हिस्ट्री बताता है, पुलिस को हेल्प करता है, सरकार को हेल्प करता है, उसके बदले इतने साल उसको अंदर रख के उसको क्या मिलता है? फांसी मिलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ मिलनी चाहिए सबको, साध्वी जी को भी मिलनी चाहिए, उन्होंने ब्लास्ट में साथ दिया था, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ फांसी मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको नहीं। अब आपको लगता है कोई टेररिस्ट आके सरकार को बोलेगा कि मैं आ रहा हूं आपके पास? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल है, उसको बोला जाएगा बेटा याकूब मैंने इनको देखा था, जाके सरकार की मदद किया, फांसी पे लटका दिया उसको। तो ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो, लेकिन ऑनेस्ट तो बनो। ऑनेस्टी जा रही है भाई, भगत सिंह फांसी पे लटक गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। गांधी जी इसलिए याद है क्योंकि नोट पे छपे हुए, जिस दिन नोट से उनकी तस्वीर चली जाएगी उस दिन गांधी जी को भी लोग भूल जाएंगे, भगत सिंह के जो फैमिली वाले भूखे मर रहे हैं, और पंजाब के ठेकेदार वहां पे वो, अरे मेरे भाई पंजाब फेमस है भगत सिंह की वजह से, थोड़ा तो उनको मदद करो। बच्चों के इतने भिखारी है, लेकिन यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते साले। अपना घर अच्छा, बाहर वाले मरे तो सच्चा। गाड़ी कितनी भी बड़ी है, रोज खड्डे में जा रही है, लेकिन रोड नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊं? मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में एसी है, रोड नहीं बनाऊंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त थी मेरे भाई, मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन सच्चा बोलता हूँ, और सच्चे मिलते नहीं है, झूठे टिकते नहीं है। बड़े खड़े छोटे बैठे आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे थे। तो जागो, इफ यू वॉन्ट टू बी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज, एंड चेंज इज नॉट ओनली योर वॉइस, नॉट ओनली योर ट्विटर और कंप्यूटर, यू हैव टू गिव योर टाइम। तो आगे जाके ऐसा आएगा ना मेरे भाई, पुंगी बच जाएगी पुंगी।